निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार विधानसभा के चुनाव के तिथियों की घोषणा किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। जहानाबाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी। डीएम नवीन कुमार ने कहा कि 28 अक्टूबर को प्रथम फेज में जहानाबाद, मखदूमपुर और घोसी विधानसभा में मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर सारे इंतजाम किए गए। आदर्श आचार संहिता इस जिले में प्रारंभ हो गया और जो विधानसभा का जो चुनाव है उसका बिगुल बज गया, वो अब प्रारंभ हो गया। अभी तक तो कार्य उस पर चल ही रहा था, लेकिन आज से ऑफिशियली वो हो गया। और जो इस जिले में चुनाव की जो तिथि है, हमने आपको बता भी दिया है कि चुनाव 28 अक्टूबर को इस जिले में चुनाव होगा। और साथ ही साथ जो नॉमिनेशन करने की तिथि जो होगी वो 1 अक्टूबर से चलेगी, जो 8 अक्टूबर तक रहेगी। कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए क्या है? कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए उन लोगों को अंतिम जो हमारा 1 घंटे का जो समय रहेगा, उस समय में उन लोगों को पूरा प्रिकॉशंस लेते हुए, कोविड प्रिकॉशंस लेते हुए उन लोगों का वोट कास्ट कराया जाएगा। और सभी लोगों को हम लोग मतदान कराएंगे। कोई भी व्यक्ति मतदाता, कोई भी मतदाता किसी भी अवस्था में हो, वो वृद्ध हो, वो PWDs दिव्यांग हो, या वो कोविड पॉजिटिव हो, जिला प्रशासन कटिबद्ध है कि वो सभी लोगों को मतदान कराए। कमजोर मतदाताओं के लिए क्या व्यवस्था? कमजोर मतदाताओं को आप लोगों ने लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी देखा था कि कितने कमजोर मतदाताओं ने जाकर निर्भीक रूप से मतदान किया था, और इसके लिए सारी व्यवस्था रहेगी। हम लोगों ने 90 एडिशनल कंपनी मांगी है, जो हमारा यहाँ जिला बल है, उसके अलावा पैरामिलिट्री कंपनी 90 मांगी है, और सभी बूथों पर रहेंगे। सभी बूथ पर ही नहीं रहेंगे, इसके पहले जिस तरह से लोकसभा में गांव-गांव में हमारे फोर्स गए थे और सभी कमजोर वर्ग के व्यक्तियों से वार्ता किया था कि आपको किसी तरह की परेशानी है या कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक एक से पूछ के हम लोग, और उस पर भी हम लोग नजर रखेंगे कि हर व्यक्ति आकर वोट दे। आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए क्या किया गया? आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए हमारा MCC कोषांग सक्रिय हो गया है, हमारे COs हैं, हमारे FST के जो पदाधिकारी हैं वो हैं, SST के जो पदाधिकारी हैं वो हैं, सभी लोग हैं, और खुद मैं, हमारी SP मैडम, DDC जो हमारे ROs हैं, खुद भी सभी चीज़ों पे नज़र रखेंगे और सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हम लोग करते रहेंगे, और किसी तरह का उल्लंघन होने पे जो नियमानुकूल कार्रवाई है वो अविलंब की जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन भी अब पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बाजारों, चौराहों में तैनात पुलिसकर्मी बेवजह घूमने वालों को रोककर चालान काट रहे हैं। माहौल पूरी तरह शांत रहे और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, अभी आज से MCC लागू हुआ है, उसको लेकर उसको पूरी तरह से अक्षरशः अनुपालन करने के लिए SST हमारी है, SST हमारी टीम, सभी थाना अध्यक्षों, सभी CO को निर्देशित किया गया है कि MCC का कहीं भी कोई वायलेशन का मामला आता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात है कि इस जिले में टोटल 1180 मतदान केंद्र हैं, इसको लेकर लगभग 793 लोकेशन हैं जहाँ पर मतदान होना है। उन सबका विभाजन नक्सल संवेदनशील और सामान्य बूथ के आधार पर हम लोगों ने किया है। प्रत्येक जो बूथ है उस पर पैरामिलिट्री लगाई जानी है, ऐसा निर्देश है। उसी के आलोक में हम लोगों ने लगभग 85 कंपनी पैरामिलिट्री के लिए रिक्विजिशन किया है, और हम लोगों को उम्मीद है कि उतना हमें प्राप्त होगा। तो जो भी चुनाव आयोग का मानदंड है उसको पूरा करते हुए हम लोग बिल्कुल ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए। वहीं मुंगेर में भी चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला समाहरणालय के सभागार में मुंगेर जिलाधिकारी राजेश मीना और पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसे अग्रतर इंस्ट्रक्शन हम लोगों को मिलेंगे, उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमारे यहाँ पर जिला में कुल PWD वोटर्स की संख्या 8036 है। कुल 80 से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 15562 है, और जो हमारे टोटल इलेक्टर्स हैं महिला, पुरुष एवं अन्य जेंडर को मिलाकर 9,68,785 हैं। इस बार कोविड को ध्यान में रखते हुए नॉमिनेशन की प्रक्रिया में, चुनाव प्रचार की प्रक्रिया में एवं वोटिंग की प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि नॉमिनेशन के समय एक कैंडिडेट के साथ अधिकतम 2 ही व्यक्ति RO चैम्बर में दाखिल हो सकते हैं। साथ ही साथ मैक्सिमम 2 वाहनों का प्रयोग इस कार्य के लिए किया जा सकता है। इस बार ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म्स अवेलेबल होंगे DO पोर्टल पर, RO पोर्टल पर, जिसको डाउनलोड करके भर सकते हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान इस बार किया गया है। ये सभी बात, और हम समझते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण और अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न किया जाएगा। मेरी मीडिया के माध्यम से वोटर से अपील है
कि आप सभी लोग निर्भीक होकर चुनाव करने आइए, वोट डालने आइए। आप बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी गई है सभी बूथों पर, कोविड को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था करी गई है, तो कोई भी मतदाता डरे नहीं, झिझके नहीं किसी भी कारण से। कोविड को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा किए जाने के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सरकारी और प्राइवेट जगहों पर लगाए गए पोस्टर और बैनर हटाए गए। जिले की बॉर्डर को सील करते हुए जांच अभियान तेज किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इम्तियाज और जहानाबाद से संतोष की रिपोर्ट।